गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा रेसिडेंट इविल इन्फिनिटी डार्कनेस से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, क्योंकि उसका कनेक्शन है डायरेक्ट रेसिडेंट इविल 4 और 5 से। अगर आप एक गेम लवर हो तो आपके लिए ये अपडेट ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ वीडियो की एंडिंग में बात करूंगा एक छोटे से अपडेट के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे मार्वल डीसी ओटीपी और स्टार वॉर्स के अपडेट पहले पता चल जाए। तो चलिए बात करते हैं रेसिडेंट इविल अपडेट के बारे में। तो सभी ने रेसिडेंट इविल 4 गेम तो खेली होगी और 5 भी खेली होगी, जिसमें कि अगर 4 की स्टोरी की बात करी जाए तो राष्ट्रपति की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, जिसका नाम होता है एशली, और फिर लियोन एस कैनेडी को एक मिशन दिया जाता है कि वो उनकी बेटी को बचाए। तो सभी विलन्स को हराने के बाद और देन काफ़ी मुसीबत के बाद लियोन एस कैनेडी एशली को बचा लेता है, जिसका बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े लोगों से सामना भी होता है। पर आगे की स्टोरी का क्या हुआ, क्योंकि 4 के बाद सीधे डायरेक्ट 5 गेम आई और स्टोरी का कोई भी रेफरेंस नहीं था। तो इसी चीज़ को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने और कैपकॉम कंपनी ने एक टीवी सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर ही, जिसका नाम रखा है इन्फिनिटी डार्कनेस, जो कि रेसिडेंट इविल 4 गेम के बाद ही इवेंट की कहानी है कि हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। और ये टीवी सीरीज ऑफिशियली रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, जो कि 8 जुलाई 2021 को रिलीज होगी, इंग्लिश में रिलीज होगी, हिंदी का कोई भी अपडेट नहीं आया। और देन उसी के साथ फिर उसके बाद इसके 2 या 3 सीजन आएंगे, फिर उसके बाद हमें रेसिडेंट इविल 5 से ये कनेक्ट करके दिखा दी जाएगी। और अब बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स द रीयूनियन, जो कि 27 मई 2021 को 12:30 बजे रिलीज होगी इंग्लिश में, तो देखने लायक है, देखिएगा जरूर। और देन ये G5 पे इंडिया में रिलीज होगी, तो आप इजीली इसे देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।